कंपनी के द्वारा करोड़ों रुपए से शहडोल जिले के अंतिम छोर पपोन क्षेत्र के सोन नदी पर सड़क पुल निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन लापरवाही पूर्वक निर्माण कार्य कराया जा रहा है। काम करने वाले मजदूरों कर्मचारियों को सुरक्षा सामग्री नहीं दी जा रही है, वह जान जोखिम में डालकर मजदूरी कर रहे हैं, जिसमें मजदूरों को काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा सामग्री न होने के कारण काम में भी कमजोरी आएगी। जब काम करने वाले कर्मचारियों से इस संबंध में पूछा गया तो बताया गया कि एक महीने से काम शुरू है, लेकिन सुरक्षा सामग्री किसी को भी नहीं दी गई। वही ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा वर्करों की बातों को गलत ठहराया जा रहा है। शासन के निर्देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में पुल कितना मजबूत होगा ये तो देखने की बात होगी। एक वर्ष पहले भी निर्माण कार्य किया गया था, सभी पिलर खड़े किए गए थे, लेकिन पहली बारिश में ही 3 पावा बह गए थे, लेकिन ठेकेदार पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। एक साल बाद फिर से इस कंपनी के द्वारा एक महीने से काम शुरू किया गया है, लेकिन मौके पर स्टोर कीपर के अलावा काम कराने के लिए ना सुपरवाइजर ना इंजीनियर ना कोई मैनेजर मौके पर है, या फिर स्टोर वालों को ही इंजीनियर सुपरवाइजर और मैनेजर बना दिया गया है। सड़क पुल का निर्माण मनमानी तरीके से किया जा रहा है। इस तरह के पुल के निर्माण कार्य में भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। बता दें कि काफी प्रयासों के बाद लगभग 50 सालों के बाद मांग पूरी होने के बाद पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हर्षलाल पांडे, हम स्टोर देख रहे हैं BKMCPL, ये अपने पास सब है, अभी चालू नहीं हुआ था, वो रखा है यहाँ पर, ग्लब्स भी है, सोच भी है, नहीं बराबर है। वो सेटिंग ठेकेदार को बुलाइए ना, रमेश को, सब मिलता है यहाँ से। नहीं नहीं, वो कर्मचारी गलत बोल रहे हैं, पूरी सुविधा है, सेफ्टी बेल्ट है, आपका हेलमेट है, अभी नहीं पर अभी तो स्टार्ट हुआ है काम, अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है। नहीं, वो बता रहे हूँ, गलत बता रहे हूँ। राजभवन से यही सरिया बना रहे हैं, कुछ नहीं आगे ठेकेदार से जी, नहीं अभी तो नहीं बोले, ये करीबन महीना भर हो रहा है। और अभी आपको सेफ्टी के रूप में कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, करीबन 24-25 वर्कर। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।